दोस्तों आज हम सिखाने वाले हैं आपको ये स्टेप्स। ये कोई दो बंदे नहीं है, ये एक ही स्टूडेंट है हमारी जियाना, जिनके पैर की जो मूवमेंट है बिल्कुल अपोजिट है, आप देख सकते हैं। जियाना एक बार वापस दिखाओ क्रॉस। तो आप सब रेडी है क्या इस स्टेप को सीखने के लिए? ये देखिए, तो वीडियो में बने रहिए, आपको मज़ा आने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं इंटरनेशनल स्केटर स्केटिंग कोच इमरान खान, किंग ऑफ स्केट साहिल स्केटिंग कॉलेज से। आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत यूनिक और बहुत हार्ड स्टेप्स, जो कि ये दोनों बच्चे विदित एंड जियाना ये आपको करके दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे। आई होप आपको मज़ा आने वाला है। अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको स्केटिंग की संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस लेसन को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साइड क्रॉस, जो कि थोड़ी मुश्किल स्टेप्स है, लेकिन आप रेगुलर करेंगे तो 10-12 दिन में इस स्टेप को कर लेंगे। कंटिन्यू एक घंटा करेंगे पर डे तो 10-12 दिन में। साइड क्रॉस में पहले आपको आनी चाहिए साइड वॉक, जो कि ऑलरेडी लेसन में बना चुका हूँ। साइड वॉक आएगी उसके बाद आप साइड क्रॉस करेंगे। तो साइड वॉक क्या है पहले आप वो देख लीजिए। विदित साइड वॉक दिखाओ एक बार आप। साइड वॉक नॉर्मल, साइड वॉक ओनली, ये है साइड वॉक, ठीक है। ये स्टेप्स आप इनलाइन पे भी कर सकते हैं और क्वाड पे भी कर सकते हैं, रोलर स्केट्स पे भी कर सकते हैं, और सबसे बेहतर होगी ये क्वाड स्केट पे। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं साइड क्रॉस, इसी से जुड़ी हुई ये स्टेप्स है। जियाना करके दिखाएगी आपको साइड क्रॉस, फिर उसको कैसे करना ये हम आपको बताने वाले हैं। जियाना गो। साइड क्रॉस है ना, साइड वॉक एंड क्रॉस। आप देख सकते हैं कितनी हार्ड स्टेप्स है, एक पैर के पीछे दूसरा पैर है, छुपा हुआ पैर है। ये हर कोई मामूली बच्चे नहीं कर सकते, इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। इसको करने का सही तरीका क्या है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी गलत किया तो इसमें आपका जो पैर का जो टखना है ये टूट सकता है, क्रैक हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। ये एक प्रोफेशनल ट्रेनर के सामने अगर ये स्टेप कर रहे हैं तो बच्चे सेफ हैं, और हमारी भी कोशिश रहती है कि किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि इसमें इस वाली स्टेप में क्या होता है सडनली पैर मुड़ जाता है, ठीक है। ये दोनों स्टेप देख लिया, पहले आपको करना होगा साइड वॉक। हाइपर पे है तो आपको इजी रहेगा, इनलाइन पे थोड़ा मुश्किल रहेगा, और रोलर पे भी थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि रोलर में इतनी स्पीड नहीं मिलेगी। साइड क्रॉस कैसे करना है, इस स्टेप को साहिल स्केटिंग कॉलेज ने ही बनाया है, और इसका नाम भी साहिल स्केटिंग कॉलेज की टीम ने रखा है। दोस्तों और साइड क्रॉस करने का जो सही तरीका है ये मैं आपको बता दूँ, आप भी करते रहिए मेरे साथ। इधर फेस इधर कीजिए, जी ना मेरी तरफ। पहले राइट आगे लाइए, चलाना है पहले आपको, फिर ये राइट वाला पैर जो है ये राइट वाला, इसको तो पीछे रखना है, इसको आगे रखना है, और इसको एक बार में मोड़ना है, 1 2 3 पूरा मोड़िए। देखिए ये साइड क्रॉस है, ठीक है। अब साइड वॉक है। अब साइड क्रॉस करने के लिए प्रॉब्लम क्या आती है कि इस पैर को इसके पीछे डालना है। जी ना एक बार डालो पीछे की तरफ करो। ये देखिए ये सबसे मुश्किल स्टेप है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है कि ये जो टखने हैं इस पर बहुत लोड आता है दोनों तरफ, मोड़ते हैं अगर ज़्यादा से पैर थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो इसमें मोच आ जाती है, और अगर थोड़ी सी और ज़्यादा तकलीफ हुई या सडनली गिरते हैं तो फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। इसको करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से कीजिए, पेरेंट्स के मौजूदगी में करें या टीचर की मौजूदगी में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए ये स्टेप्स हैं, दोनों पैर बिल्कुल अपोजिट साइड मुड़े हुए हैं, बहुत मुश्किल स्टेप्स है। अभी आपको ऐसा धीरे धीरे करना है, डायरेक्टली आपको इतना अंदर नहीं लेना है। फर्स्ट ये पैर आगे रहेगा, यहाँ से हाथों को मेरे ऊपर, क्योंकि अभी खड़े हैं तो थोड़ी मुश्किल हो रही है, चलते हुए इजी हो जाती है थोड़ी। पहले ये है साइड क्रॉस की, साइड वॉक की, उसके बाद धीरे धीरे करके इसको इसके अंदर लाना है। पहले थोड़ा लाओ, थोड़ा चलेगा, फिर धीरे धीरे करके पूरा अंदर आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये स्टेप्स होगी। आप एक बार में मोड़ने, एक बार में दोनों पैर को इक्वल कर देंगे तो ये स्टेप्स नहीं होगी, आप इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। विदित एक बार आप करके दिखाओ यहीं पर कैसे करना है। क्या करते हैं पहले, सबसे फर्स्ट साइड वॉक, साइड वॉक के बाद अंदर लो पैर को, हाँ ये वेरी गुड। इस तरीके से आप साइड क्रॉस कर सकते हैं। तो पहले आप कुछ साइड क्रॉस के थोड़ी सी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही यूनिक स्टेप्स है, तो आपको हर एंगल से देखना तो बनता ही है। तो चलिए पहले आप
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी भी तरह के प्रोफेशनल स्केच चाहिए स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं इसमें, इवनिंग में 7 to 9 के बीच में कॉल और व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आज की वीडियो में हमारा साथ दिया हमारे बहुत ही टैलेंटेड और होनहार स्टूडेंट विदित एंड जियाना ने। इनके लिए लाइक ज़रूर बनता है। एक ये लोगो दिख रहा है, इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।